हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे आरपीजीएल के स्कैन रिप्लेस फंक्शन के बारे में। तो स्कैन रिप्लेस फंक्शन क्या होता है? अगर हमारे को किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई भी एक स्ट्रिंग को हमारे को फाइंड करना है और उसकी जगह पे किसी और स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, तो उस केस में हम स्कैन रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है रिप्लेस नेम से, जिसमें हम स्कैन आरपीएल बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे जो हम कोडिंग स्टाइल यूज़ कर रहे हैं वो है फुल्ली फ्री फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में यूज़ आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंड अलोन वेरिएबल स्ट्रिंग नेम से क्रिएट किया है, जिसकी साइज़ मैंने 50 रखी है और उसको मैंने इनिशलाइज किया। सेकेंड मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट, जो हमारे रिजल्ट को होल्ड करेगा और उसका भी साइज़ हमने 50 वेयर कर लिया है, यानी करेक्टर टाइप। अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को होल्ड किया। तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग वेरिएबल में हमारे पास स्ट्रिंग है रिप्लेस BIF इन RPGLE। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम परसेंट स्कैन RPL यूज़ करेंगे तो हम इस BIF को इसकी फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी बिल्ट इन फंक्शन में। तो हम देखते हैं ये किस तरह से होता है। और रिजल्ट इसी स्ट्रिंग को एक बार स्क्रीन पे शो करने के लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले कमांड यूज़ की है, और डिस्प्ले से हमने इसी को आउटपुट स्क्रीन पे शो कराया विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन दिस। तो उसके बाद में यहाँ पे हम परसेंट स्कैन रिप्लेस फंक्शन का मैं पहले फॉर्मेट आप लोगों को बताता हूँ। तो फॉर्मेट में ये होता है कि स्कैन एंड रिप्लेस इसका फुल फॉर्म है स्कैन RPL। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो स्कैन स्ट्रिंग देते हैं कि हमारे को स्ट्रिंग कौन सी फाइंड करनी है। उसके बाद में हम कोलन देंगे परसेंट स्कैन RPL पेरेंथिस ओपन स्कैन स्क्रीन। स्कैन स्ट्रिंग देने के बाद में हम यहाँ पे कोलन देंगे और जो स्ट्रिंग हमारे को स्कैन करने के बाद रिप्लेस करनी है वो रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग, देन कोलन, और फिर जिस स्ट्रिंग के अंदर हमारा कंप्लीट स्ट्रिंग स्टोर है उसका वेरिएबल। तो इस तरीके से हमारा इसका फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट वेरिएबल में इसको यूज़ किया है। तो रिजल्ट वेरिएबल में मैंने लिखा है परसेंट स्कैन RPL BIF को फाइंड करना है। तो जो भी हमारी मेन स्ट्रिंग है स्ट्रिंग नेम से, उसमें BIF को फाइंड करेगा, देन रिप्लेस इट विद बिल्ट इन फंक्शन। तो उसको रिप्लेस कर देगा बिल्ट इन फंक्शन के साथ। और ये कौन से इसको डेटा कहाँ से मिलेगा, उसको डेटा मिलेगा स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर से। तो स्ट्रिंग वेरिएबल में हमारा डेटा है, वहाँ से ये BIF सर्च करेगा और उसको बिल्ट इन फंक्शन में रिप्लेस कर देगा। उसके बाद में हमने इसका आउटपुट स्क्रीन पे शोर करा है DSPL रिजल्ट। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर होगा और फिर हम उस रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मेनली स्कैन RPL फंक्शन का यूज़ इतना ही है कि हम इसमें किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं और उस स्ट्रिंग को किसी एक अनदर स्ट्रिंग से रिप्लेस करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसके सिंटेक्स में हम दो पैरामीटर और पास कर सकते हैं। सपोज हमारे को किसी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि हमारे को इसके बाद जो भी पोजीशन आएगी उसको रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पे सोर्स स्ट्रिंग के बाद में एक और कोलन देंगे। तो कोलन देके उसके बाद में हम वहाँ पे लिखेंगे उसका स्टार्टिंग पोजीशन। सपोज मेरे को 10th पोजीशन से उसको फाइंड करना है, तो 10th उसके बाद में एक और कोलन और किस लेंथ तक हमारे को फाइंड करना है। तो हम सपोज हमारे को 10th पोजीशन से स्टार्ट करना है, 10th करेक्टर तक उसको फाइंड करना है। तो हम इसके आगे लिख देंगे कोलन 10 एंड कोलन 10 दोबारा से। तो वो 10th पोजीशन से स्टार्ट करेगा और 10 करेक्टर तक सर्च करेगा। बट अभी हमारे इस केस में हमारे को सिर्फ BIF को चेंज करना था, तो मैंने स्टार्टिंग स्ट्रिंग दे दी है। ये कंप्लीट स्ट्रिंग को सर्च करेगा और उसके अंदर जो भी इसको BIF मिलेगा ऑल अकरेंस के लिए ये चेंज कर देगा। अगर सपोज इसके बाद में एक और BIF लिखा होता तो ये उसको भी बिल्ट इन फंक्शन में चेंज कर देता। तो अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो मैं सेव करता हूँ उसको फाइल 14 कंपाइल एंटर, इसको हम कॉल कराते हैं। तो हमारा पहली स्ट्रिंग शो हो गई है रिप्लेस BIF इन RPGLE, जो हमने स्ट्रिंग में होल्ड किया था। अब हमारा नेक्स्ट लाइन पे इसको स्कैन रिप्लेस चेंज कर देगा और फिर जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे अब रिप्लेस बिल्ट इन फंक्शन BIF को बिल्ट इन फंक्शन में हमने रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से स्कैन पहले किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करता है और उसके बाद में उसको किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में चेंज कर देता है। तो इस तरह से हम स्कैन RPL बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं।
आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और बिल्ट इन फंक्शन और अदर IRPGLE कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल एंड फॉर मोर वीडियोज़। एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट एनी सोर्स कोड देन प्लीज़ फाइंड द लिंक बिलो टू